जम्मू कश्मीर के लिए आज बहुत ही बड़ी खबर जो है वो सामने निकल के आ रही है। सामने जो बच्चे आप देख रहे हैं, जम्मू का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो रोशन कर सामने आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के बच्चे ही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी अच्छा होने के बावजूद भी जो है मेडल्स लाने में पीछे नहीं हटते। और यही एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो इस समय सामने नजर आ रही है। आप यहाँ पर सामने देखिए, ये जो दोनों बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर आए हैं। जम्मू के लोग आज काफी ज्यादा उत्साहित जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर में अगर प्लेइंग फील्ड की बात करें तो काफी ज्यादा लोग जो है वो इस समय प्रसन्न है। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये जरूरी था कि स्पोर्ट्स को ज्यादा तवज्जो दी जाए, और ऐसे ही जो बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स को तवज्जो जो है वो दिलवा पाते हैं। और बिल्कुल सामने जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये स्वागत किया जा रहा है जम्मू एयरपोर्ट पे, क्योंकि जम्मू का नाम आज रोशन किया है इन्होंने। सबने काफ़ी प्राउड की मोमेंट हो रही है, क्योंकि जैसे सबने रिसीव किया और मैं अपने देश के लिए मेडल आई हूँ, तो ऐसी प्रोत्साहन अगर देते रहेंगे तो आगे भी मैं देश के लिए अच्छा करूँगी। किस तरह की तैयारी आपने इस टूर्नामेंट के लिए स्पेशल की थी, क्योंकि अभी हम देखें तो स्पोर्ट्स कल्चर जम्मू कश्मीर में तेजी से बदल रहा है। तैयारी तो मैंने वही की थी, बट कोचेज जैसे मेरे कोचेज है छोटू लाल सर और रशीद सर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, और जो जेके स्पोर्ट्स काउंसिल है उनकी भी बहुत मदद रही, मतलब हर चीज़ में उन्होंने सपोर्ट किया, और फेंसिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स का सपोर्ट था, फैमिली का, तो ये सब चीज़ें भी होती है जिससे आप आगे बढ़ते हो, फैमिली का सपोर्ट रहता है, इससे सब मतलब अच्छा। क्या नेक्स्ट टारगेट, अब क्या आपका पूरी तरह से? अभी तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा गोल्ड लाने का, और फिर उसके बाद एक टाइम ओलंपिक पोडियम पे पहुंचने का। पूरी तरह से ओलंपिक लेके आ रहे हैं, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस। फेंसिंग एक इस तरह की गेम है जिसमें कहा जाता है कि मुझसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का होने के बाद भी एक मेडल का आना किस तरीके से देखते हैं? काफी अच्छा हो रहा है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रही है और आगे भी आएगी। अभी तक किस तरह की तैयारी जो थी की गई थी, और तैयारी के बाद जो फल मिला है, फल किस तरह का लग रहा है? काफी ज्यादा खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट है और आगे होगी काफी टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट जो है वो होती जाएगी। ये सामने जो आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करें, ये बच्चे इस समय मेडल जीत के आए हैं जूनियर एशियन चैंपियनशिप जो कि उज़्बेकिस्तान में जो थी वो हुई थी। और यहाँ पर इस समय आपको बता दें कि इस समय लाइव विजुअल्स आपको जम्मू एयरपोर्ट से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यही ओपन जीप जो है इसी में बच्चों को लेकर जाया जाएगा, जो कि एमए स्टेडियम में लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद वहां पे इनका फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो रहा है वो रहेगा। पर अभी आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए, ये बच्चों के साथ तो यहाँ पर श्रेया भी, कैसा पूरा ये टूर्नामेंट था? काफी अच्छा टूर्नामेंट रहा, काफी कॉम्पिटिटर्स थे, बट सारी अच्छी कोचिंग सपोर्ट के साथ में मेडल लेके आई बहुत, क्योंकि ये जूनियर एशियन गेम्स थी, तो इसके लिए कैसी प्रिपरेशन कैसी रही थी जब आपने इसकी तैयारी की? प्रिपरेशन मतलब ट्रेनिंग स्टेडियम में, ट्रेनिंग मतलब रेगुलर ट्रेनिंग थी, कोचेस का सपोर्ट रहा सबका, फैमिली का सपोर्ट था, स्पोर्ट्स काउंसिल का सपोर्ट था, उससे मतलब ट्रेनिंग भी बेटर हुई, जैसे हॉल वगैरह न्यू बना है उससे काफी सपोर्ट मिला। पूरी टीम का कैसा ओवरऑल सेटिस्फाइड है उनके परफॉर्मेंस से, पूरी टीम के? हाँ, पूरी टीम ने अच्छा खेला, अपना बेस्ट दिया, आगे और भी अच्छा खेलेंगे और ट्रेनिंग करेंगे और अब गोल्ड लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है खेलो इंडिया को लेकर बड़ा इनिशिएटिव भी ले रही है। हाँ, काफी इनिशिएटिव, अभी खेलो इंडिया है, अभी मैं टॉप्स में सेलेक्ट हुई हूँ, उससे भी मेरे को काफी हेल्प मिली है, तो गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है, तो आगे भी करते रहे तो प्लेयर्स को ज्यादा मोटिवेशन। फ्यूचर में क्या प्लानिंग है अभी आपकी? अभी तो मतलब मेन टारगेट ओलंपिक पोडियम। ओलंपिक के लिए कितनी तैयारी जो थी इसकी शुरुआत की गई थी, कब से शुरुआत की गई थी और आज उसका फल मिला है? मैं 2013 से फेंसिंग कर रही हूँ, और अब मतलब कंटिन्यूसली मैं फेंसिंग कर रही हूँ, तो उसका फल अब मिला आखिरकार, मतलब एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज लाई मैं, और मतलब काफी प्राउड मोमेंट है सारे जो ऐसे रिसीव किया सबने। जो ब्रॉन्ज मेडल आया घर में, बताया किस तरीके से रिस्पांस घर वालों का मिला था?
सारे बहुत खुश थे, सारे मतलब बोल रहे थे कंग्रेचुलेशन, कुछ को बिलीव भी नहीं हो रहा था कि आ गया मतलब, तो सारे बहुत खुश थे, सारे बहुत खुश थे। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रही है और ये बिल्कुल सामने विजुअल जो है वो आप इस समय देखने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं विश्वास नहीं होता है और पर विश्वास करने की जरूरत है क्योंकि इस समय हमारे मेडल जो है वो आए हैं। जम्मू कश्मीर की बच्चियां जो है वो इस समय सामने आप देख लीजिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बस सवाल सिर्फ ये है कि अगर गवर्नमेंट के सपोर्ट और मिल जाए तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो पीछे रह सकते हैं जम्मू कश्मीर के बच्चे। ये बिल्कुल सामने भी जो उज़्बेकिस्तान में दो मेडल्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के आए हैं और सबसे बड़ी बात ये विजुअल्स सामने आप देख रहे हैं। जम्मू के लिए काफी बड़ी खुशखबरी जो है वो इस समय जरूर देखने को मिल रही है और ये बिल्कुल सामने विजुअल्स में एयरपोर्ट में फैसिलिटेशन हुआ है। इसके बाद फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो एमए स्टेडियम में भी इनके साथ इनके लिए किया जाएगा और कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोत्साहन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होना भी अति आवश्यक है क्योंकि अगर इस तरह के उत्साहन जो है वो अगर नहीं दिया गया तो परेशानियां जो है वो बढ़ सकती हैं। अब पिताजी आए हैं, पिताजी कितनी खुशी जो है वो आपको मिल रही है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितनी मेहनत जो थी वो आपको, चलो वही मिलते हैं। कितनी मेहनत थी और आज मेहनत रंग लाई है? मेहनत आप लोगों का सहयोग, कोचिज की मेहनत है और इसके टीचर्स इसकी मदर की मेहनत है। हम तो आपको पता है अभी की तरह यहाँ वहाँ घूमते रहने वालों में हैं लेकिन खुशी की बात है, चलो देश के लिए खेलना मतलब मेरे को लगा अच्छा है। बिल्कुल देश के लिए मेडल जो है वो आया है और सबसे बड़ी बात ये है कि अब प्रोत्साहन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से डेवलप होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता अगर बात की जाए तो आज अगर दो मेडल्स आए हैं और भी मेडल्स की गिनती बढ़ सकती है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है पर जिस तरह से जम्मू के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी और एयरपोर्ट पे फैसिलिटेशन प्रोग्राम था बिल्कुल लाइव हमने आपके सामने रखा। पर जम्मू परिवर्तन के साथ मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।